का था, हमारे बाबा के श्रीमुख से यहाँ जाओ, तो देखने में तो यहाँ जाओ, बाबा के श्रीमुख से आज हम लोग थोड़ा हरि कथा श्रवण करेंगे। गुरवे गौरचंद्र राधिकाए तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि मेरा कोई आचरण नहीं और एक शब्द कहने का भी योग्यता नहीं, फिर भी बाबा का आज्ञा है तो बाबा की कृपा से कुछ हृदय में प्रेरणा दे के जो बुलाएंगे वही कहने का चेष्टा करूंगा। पहले मैं जब मैं अपना बात कहना नहीं चाहिए अपना कथा, फिर भी बाबा का कृपा, पहले जब मैंने 2 दिन के लिए आया वृंदावन से बरसन आया, फिर बाबा महाराज जी परिक्रमा के लिए चले गए थे और पंडित बाबा जी से दर्शन हुआ। पंडित बाबा बोले कि बाबा परिक्रमा गए हैं, तो मैं तो 2 दिन के रुक के चले जाना चाहता था, फिर भी मैंने सोचा बाबा के दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा, जितना दिन भी होगा बाबा का दर्शन करके ही जाऊंगा। तो फिर कुछ दिन के बाद बाबा तो राजकोष परिक्रमा से आए तब बाबा जी परम पूज्य बाबा महाराज जी का श्री चरण का दर्शन मिला और इतना आनंद मिला और बाबा की कृपा से राधारानी कृपा से फिर 2 दिन के लिए आया था। अभी बरसाने में ही 5 साल हो गया, बरसाने में ही रहता हूँ। बाबा कृपा करें, राधारानी से कृपा से बाबा महाराज जी की कृपा से मैं जीवन के लिए अंतिम समय पर्यंत बरसाना ही रहना ही चाहता हूँ। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना। जय जय। प्रेम के बिना कहते हैं क्या कथा एक है, प्रेम बिना दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह कृष्ण प्रेम धन। तो एक कथा है, सबसे बड़ा प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा छोड़ी साग विदुर घर खाई। तो प्रेम जैसे मैंने एक बार बाबा से पूछा, बाबा महाराज जी से हमारे, कि बाबा और हमको राधा रानी का दर्शन तो नहीं होता है। बाबा बोले दर्शन करके क्या करोगे, दुर्योधन को कितने बार दर्शन हुआ और जितने असुर लोग थे और वो जो शिशुपाल को तो कितने बार दर्शन हुआ, जब भी देखता था गाली देता था भगवान को, और बकासुर अघासुर आदि को कितने बार दर्शन हुआ भगवान का। भगवान तो खुद अघासुर के पेट में चले गए थे लेकिन उसको अनुभव नहीं हुआ। प्रेम के बिना भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाए हमको स्वाद का आस्वादन नहीं होगा। इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम है, प्रेम है तो भगवान का दर्शन का आनंद अनुभव होगा। और प्रेम है पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है और प्रेम है परम पुरुषार्थ। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न ज कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममनम जद वैष्णव नाम धनम श्रीमद महाप्रभु मतम विदम तत्रादर ना पर ऐसा कुछ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई 1000 करोड़ जन्म साधना करे फिर भी प्रेम अपने साधन के बल से
कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। संतों की कृपा जब हो जाएगा तो संतों की कृपा से, क्योंकि जो रसगुल्ला खा रहा है वो खिला भी सकता है। जो रसगुल्ला का खाली जो प्रवचन करता है, रसगुल्ला ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, वो कभी खाया नहीं जीवन में, तो दूसरों को क्या खिलाएगा। जो रसगुल्ला खुद खा रहा है, जो प्रेम का आस्वादन थोड़ा जो कर चुके हैं, वो आस्वादन करा सकते हैं। इसलिए प्रेम के लिए जो संत लोग रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, भगवान के चरणों में जिनका तन धन मन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे संतों की कृपा से, हमारे परम पूज्य बाबा महाराज की कृपा से अगर थोड़ा सा भी कृपा मिल जाएगा, उसको इस जन्म में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल और संतों का नाम है अभक्त वत्सल। भगवान भक्तों के ऊपर ही कृपा करते हैं, लेकिन संत महापुरुष होते हैं अभक्तों को भी कृपा करते हैं। जैसे हमारे नारद जी जा रहे थे और कुबेर का दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो मदिरा पान करके गंगा जी में नहा रहे थे और अप्सराओं के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। उनका शरीर का भी ज्ञान नहीं, शरीर में कपड़ा भी नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं, लेकिन नारद जी को बड़ा दया आ गया। उनको दीनता को देखकर, देखो देखो जो परम वैष्णव है, जो कुबेर जी का बेटा पुत्र है, लेकिन ऐसा जैसे उनको सांप के माध्यम से वो कृपा कर दिया, तुम पेड़ बन जाओ, तुम पेड़ जैसा स्वभाव है, तो पेड़ कहाँ बना, नंद बाबा के आंगन में बने, तो अर्जुन वृक्ष के रूप में बने, फिर भगवान ने उनको उद्धार किया। और ऐसा कहते हैं कि वो दो हो गए जो मधु कंठ और स्निग्ध कंठ, दो भागवत वक्ता होते हैं। यहाँ दुनिया में बड़े बड़े भागवत आचार्य, भागवत कितने कितने नाम हो गया, लेकिन वहाँ जाने से दो ही वक्ता पहले से भी है और तीसरा वक्ता का वहाँ नहीं। वहाँ नल कुबेर मणिग्रीव जो थे वे ही मधु कंठ और स्निग्ध कंठ हो गए, ऐसा मैंने सुना था। और ऐसे कृपा से, कृपा साध्य है ये, कृपा साध्य है अपने साधन से, हजार करोड़ जन्म तपस्या भजन साधन जो भी करने से, साधन का बल से अभिमान करके कोई प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। संत की कृपा हो जाएगा तो भगवान संतों की वाणी कभी झूठा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोले कौन्तेय प्रतिज्ञा नहीं नवे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरा भक्त कभी पतन नहीं होता। क्यों भगवान ने ऐसा क्यों बोले ना, मेरा प्रतिज्ञा मैं तोड़ देता हूँ भक्त के लिए, लेकिन भक्त का प्रतिज्ञा कभी तोड़ता नहीं। जैसे भगवान बोले मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, भीष्म पितामह बोले तुमको करा दूंगा जरूर, तो भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया और रथ के चक्र को चक्र के जैसा उठाकर भीष्म जी के लिए दौड़ पड़े। तो भगवान अपना प्रतिज्ञा झूठा कर सकते हैं, लेकिन भक्त का प्रतिज्ञा कोई झूठा नहीं करेंगे। कोई संत महापुरुष सच्चा दिल से कह देगा जा तेरा कल्याण हो जाएगा, तो इसी जन्म में ही भगवान उनको जरूर अपना लेंगे। जैसे एक कथा सुना है मैंने कि एक दो भक्त थे, पति पत्नी दोनों थे, उनका कोई संतान नहीं था। नारद जी एक बार जा रहे थे भगवान के पास वैकुंठ में, तो नारद जी से प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, तो क्या बात है ना महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हैं, ना भगवान के पास जा रहा हूँ, तो भगवान के से पूछ लेना हमारा कोई संतान होगा कि नहीं। तो नारद जी गए, नारद जी जब गए भगवान को बोला, बोला भगवान और मैं आया था और पृथ्वी से, एक भक्त पूछा कि बेटा कुछ संतान होगा कि नहीं, भगवान बोले एक जन्म क्या, सात जन्म तक कोई नहीं होगा पुत्र, कोई संतान सात जन्म तक नहीं होगा। लेकिन नारद जी आके बता दिया कि सात जन्म तक कोई संतान नहीं होगा। लेकिन वो एक बार एक संत आए थे उसी गांव में, बोले जो एक रोटी देगा एक संतान होगा, दो रोटी देगा दो पुत्र होगा, ऐसा सात रोटी देगा सात पुत्र होगा। तो वो पति पत्नी विचार करने लगे
कि भगवान ने खुद बोला 7 जन्म तक नहीं होगा, ये संत ऐसा कैसे बोल रहे हैं, भगवान का वाणी तो झूठा नहीं होता, फिर भी क्या करेंगे, या भिखारी हो जाएंगे, 7 रोटी खिला देंगे। तो 7 रोटी खिला दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7 संत पुत्र हो गया उनका, 7 पुत्र हो गया। नारद जी एक बार फिर जा रहे थे, बोले कि अरे बच्चे लोग खेल रहे, किसका बच्चा है, ना महाराज जी हमारा है, तो आपने तो बताया भगवान बोले 7 जन्म तक नहीं होगा, लेकिन 7 पुत्र हो गया हमारा कैसे, संतों की कृपा से। तो वे गुस्सा हो गया, नारद जी को गुस्सा आ गया, बोला भगवान मुझे झूठा ठहरा दिया, अभी जाऊंगा। तो भगवान के पास नारद जी सीधा गए, बोले भगवान आपने बताए थे तो उसका कोई 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, उसका तो अभी तो 7 पुत्र हो गए। तो भगवान बोले मेरे कोटा में नहीं था, वो संत के कोटा में होगा, वो दे दिया। तो कहने मत, भगवान भी जो नहीं दे सकते दे सकते हैं, लेकिन संत का प्रतिज्ञा कभी झूठा नहीं करते हैं। इसलिए हमारा एक है, एक कीर्तन है, एक कवि सी चैतन्य मरे करीबे न दया, कवि अमी पाई बई नव पद छाया, नव पद छाया कवि अमी छाड़ी बे विषय अभिमान, कवि विष्णु जाने आमी करीब सम्मान, करीब सम्मान गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण धरी दंडा इव निष्कपटे, इव निष्कपटे कांदिया कांदिया जाना इव दुख ग्राम, संसार अनलाहिते मागिव विश्राम, मागिव विश्राम सुनिया अमारा दुख वैष्णव ठाकुर, अमा लगे कृष्णे आवे दिवन प्रचुर, दिवन प्रचुर वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया, एहन पमर प्रति हवे न सदाया, हवे न सदाया विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लही अकिंचने, यही अकिंचने। ऐसे जैसे भगवान का आज ये नित्य वृंदावन है, ये वृंदावन धाम में अभी भी हर समय लीला हो रहा है भगवान का, इन्हीं आँखों से कितने कितने संत, इन्हीं आँखों से भगवान को साक्षात दर्शन किया लीला का, जो जीव का परम पुरुषार्थ है, जो नित्य वृंदावन में नित्य लीला में प्रवेश पाना और लीला का आस्वादन करना, वो अभी नित्य निरंतर चल रहा है, लेकिन हमारा तो नेत्र जड़ नेत्र में देख नहीं पाएंगे। चिंतामणि मयोभूमि कल्प दुर्वन, जड़ नेत्र देखे तहा प्रपंच समान, प्रेम नेत्र देखे तहा तार स्वरूप प्रकाश, गोपी गोप गोपी संगे जहाँ रास विलास, अभी रास लीला अभी चल रहा है, लेकिन जड़ नेत्र में हम देख नहीं पाएंगे। बाबा महाराज जी अगर कृपा करेंगे, हमको प्रेम नेत्र दर्शन करेंगे, तो इन्हीं आँखों से हम भगवान को लीला को दर्शन कर पाएंगे, और ये केवल कृपा साध्य है, हमारा कोई योग्यता नहीं। इसलिए बाबा महाराज जी के चरणों में यही निवेदन है कि बाबा महाराज जी की कृपा से कि मेरा जीवन का जो परम लक्ष्य है, और पात्रता भी नहीं है हमारा, पात्रता होने से कृपा होता है, पात्रता भी नहीं है, तो आगे तो की कृपा करके बाबा महाराज जी अगर हमको कृपा करेंगे, तो इसी नेत्र में हम जो जीवन का परम लक्ष्य है, जो राधा रानी का ठाकुर जी का नित्य लीला का दर्शन कर पाएंगे, और इसी जन्म में नित्य लीला में राधा रानी के चरणों में हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे, यही प्रार्थना है। अच्छा Mm-hmm.